गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर सौरभ सर, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ इंटरनेशनल डेली बॉडी के स्कूल सुल्तान में भागलपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर। अभी जो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर से भाग जो देते हैं तो वो कैसे देते हैं? चलिए, पिछले वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का इन्वर्स निकालना बताया था। किसी भी नंबर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो जिस नंबर का इन्वर्स हमको निकालना होता है उस नंबर को वन के बटे में डाल देते हैं। कैसे? वन के बटे में उस नंबर को डाल देते हैं। अगर ए का इन्वर्स निकालना है तो वन के बटा में ए को डाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे, इसको याद रखेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ एन का मतलब हो गया फ्रैक्शनल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। द फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर। कह रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर को जब किसी होल नंबर से हमको भाग देना पड़ता है, जैसे फ्रैक्शनल नंबर हो गया आपका 2/4, इसमें अगर हमको फ्रैक्शनल नंबर हो गया 2/4, इसमें अगर हमको भाग देना है 3 से, तो इसको हम कैसे भाग देंगे? तो क्या कह रहा है फॉर्मूला? द फ्रैक्शनल नंबर 2/4 इंटू द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से फ्रैक्शनल नंबर को गुना कर देंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर हो गया, अब होल नंबर में आ गया है 3 है, तो इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो 1 के बटे में इसको दे देंगे, उससे इसको गुणा कर देंगे। अब कितना हो गया आपका? 2/12। अब देखिएगा कोई कटने वाला है तो यहीं पे इसको भी आप काट दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसको भी काट दे सकते हैं। कितना हो गया? 1/6। यह आपका हो गया, यह हो गया आपको फ्रैक्शनल नंबर, द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर। अब चलिए नेक्स्ट मेरा है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शनल नंबर। अब किसी होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से कैसे भाग देते हैं? कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। जब जैसे ही आपको फ्रैक्शनल नंबर के भाग का बात होगा तो वहां पे हमेशा जिससे हम भाग देते हैं, क्या जिससे हम भाग देते हैं, दैट मीन्स की डिवीजन जो होगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आएगा। किस में आएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आएगा। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर इंटू द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। चलिए यहाँ पे अगर हम 12 डिवाइडेड बाय अगर 12 डिवाइडेड बाय 3/2 कर दे, 12 डिवाइडेड बाय 3/2, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि द होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना मैं पिछले कल वाले वीडियो में मैं बताया था कैसे निकालते हैं। तो वो जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, हो गया। अब देखिए तो इसको आप काट दीजिए, कितने टाइम्स में कटेगा? 4 × 4 = 8, यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिवीजन, अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा? फ्रैक्शनल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा? द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अदर फ्रैक्शनल नंबर। कह रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से जब भाग देते हैं तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शनल नंबर को जैसा होता है वैसा लिख देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको 2/9 डिवाइडेड बाय
6 by 27 या इसको 4 by 27 कर दीजिए। चलिए तो आपका फॉर्मूला क्या करा, फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर को जैसा है वैसा लिख देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं तो सेकेंड जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए तो इसमें से कटने वाला तो है, तो 9 के टेबल में 27 3 बार गया है और 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स गया है 3 by 2। और आपको मैं बता दिया था कि कभी भी आप किसी भी फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, अब ऊपर में 3 क्या है 2 से बड़ा है तो क्या करेंगे 2 से 3 में भाग दे देंगे, 2 से 3 में भाग दे देंगे 1 टाइम्स में 1। अब आपको मैं बताया था कि जो आपका कोशेंट निकलता है वह यहाँ पे निकलता है, जो रिमाइंडर निकलता है वह नोमिनेटर बनता है और जो डिविजर होता है वह मेरा डिनोमिनेटर होता है, यही आपका आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का डिविजन और मल्टीप्लीकेशन पढ़े, उसमें आज जो मैं बताया हुआ क्या क्या बताया, तो किसी होल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर से कैसे भाग देते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में होल नंबर से कैसे भाग देते हैं और फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से कैसे भाग देते हैं। तो आज जो मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको दिया वो तीनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कहीं पे समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।